ओम शांति सबको प्रणाम। दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो सके। धन्यवाद। दोस्तों आज हम लोग जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, इसको सभी लोग पहचानते होंगे और मुझे लगता है इसको कहते हैं मूली। तो आपको चर्चा करने के पहले बता दें कि अगर आयुर्वेद का कहना है कि अगर मूली खा रहे हैं तो मूली के पत्ते जरूर खाएं, क्योंकि मूली के साथ मूली के पत्ते खाने से उसके गुण बहुत बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि कभी भी इसके साथ दूध न खाएं। जब मूली खा रहा हूँ तो दूध का सेवन ना करें, उससे आप फायदा नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा रिएक्शन होगा, इससे लीवर पर भी अनावश्यक जोड़ जाता है। तो मूली और प्याज के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो आज से बंद कर दीजिए। दूध के साथ नमक भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके साथ मूली और प्याज का भी सेवन कभी मत करें भूल कर। तो चर्चा करते हैं पहले कि अगर आपको पीलिया है और लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है तो मूली का सेवन इसमें बहुत ही अच्छा है, अनुमन्य है। आयुर्वेद के द्वारा मूली का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे हमारा लीवर स्वस्थ रहता है। और जानते हैं कोई चीज़ लीवर के लिए बहुत अच्छी है, इसी तात्पर्य क्या हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। तो जब भी एपेटाइटिस हो जाए, पीलिया हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो तो उसमें मूली का सेवन अवश्य करना चाहिए, इससे हमारा लीवर बहुत अच्छा रहता है। इसका मतलब क्या है कि शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालने का काम मूली करती है, और मूली में बहुत सारे खनिज लवण भी पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि जहाँ भी हरे चीज़ होती है, जो क्लोरोफिल जहाँ होता है उसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो इसके साथ अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी नहीं होती, साथ साथ लौह तत्व भी पत्तों में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके द्वारा हमारे शरीर में आयरन की भी कमी नहीं होती, तो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद बताएंगे मूली का, अगर बवासीर किसी को है तो मूली का सेवन अवश्य करना चाहिए, इससे पेट साफ रहता है और बवासीर के जो लक्षण होते हैं, बवासीर के जो उपद्रव होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो बवासीर में मूली का बहुत ही लाभ है, उसके साथ मूली अवश्य खाएं। और इसके अलावा अगर आपके शरीर में तमाम प्रकार के गैस की प्रॉब्लम है तो मूली का पेट साफ करता है, तो उससे गैस की समस्या भी कम हो जाती है। तो पेट के लिए तो मूली बहुत ही अच्छा है। और अगर खांसी आ रही है, दूसरी चीज़ अगर खांसी आ रही है तो मूली को सुखा लें और सुखा कर इसको जला लें, इसका राख बना लें, और उसको अगर आप शहद के साथ चाटते हैं तो खांसी में बहुत ही लाभ करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति।